पढ़ना लिखना सीखो ए दोस्तो, पढ़ना लिखना सीखो मेरी बहनों। कितने जीवन बदल गए और कितने बदल रहे हैं, पढ़ लिख कर कितने लोगों को नई राह मिल गई है। मंजिलें और भी हैं, मंजिलें और भी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है मंजिलें और भी हैं। आज मैं आपको ले जाने आई हूँ मध्य प्रदेश के एक ऐसे जिले में जिसकी साक्षरता दर में पिछड़े जिलों में ही गिनती होती है। मध्य प्रदेश के इस जिले में निरक्षरता को देखते हुए कई कार्यक्रम शुरू किए गए। इसी की तर्ज पर राजगढ़ जिला कारागार में भी निरक्षर कैदियों को साक्षर करने की रणनीति बनाई गई, जिससे ये कैदी जागरूक हों और समाज में एक बेहतर इंसान की तरह जीवन यापन करें, अपराधी प्रवृत्ति को छोड़कर सही रास्ते पर चल सकें, जिससे देश में साक्षरता तो बढ़ेगी ही, साथ ही एक बेहतर समाज का गठन भी होगा। क्योंकि हो सकता है कि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों से साक्षरता में आगे हों, मगर थाईलैंड और फिलीपींस जैसे छोटे देशों से आज भी साक्षरता में हम पीछे ही हैं। इस कमी को तभी दूर किया जा सकेगा जब देश का हर व्यक्ति साक्षर हो। यही सोचकर जेल में साक्षरता कक्षाओं की शुरुआत की गई। आज सफलतापूर्वक ये अभियान कारागार में चलाया जा रहा है। जेल में पढ़ने पढ़ाने का कार्यक्रम कैसे शुरू किया गया और कैदी किस तरह साक्षर हो रहे हैं, ये सब जानने के लिए चलते हैं राजगढ़ जिला कारागार। इन दरो दीवार को जरा निगाह भर के देखिए। ये वो जगह है जहाँ शायद कोई भी इंसान ख्वाबों और ख्यालों में भी आने की कल्पना न करे। इसे इंसानों ने ही बनाया है इंसानों के लिए। यहाँ वो लोग आते हैं जो जाने अनजाने किसी अपराध में शामिल होते हैं और सजा के तौर पर उन्हें यहाँ भेज दिया जाता है और उन्हें काटनी होती है अपने गुनाहों की सजा। और इसी जगह को हम इंसानी बातचीत में जेल कहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कानून को हाथ में लेकर कानून से बाहर जाकर कोई काम किया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन लोगों ने कानून हाथ में क्यों लिया। इस सवाल का सीधा मतलब यही है कि कुछ तो जान के इस दलदल में फंसे और कुछ ऐसे जो अनजाने में कानून को तोड़ बैठे हैं। लेकिन अगर गौर करें तो इन सब की अहम वजह एक ही थी, इन लोगों की निरक्षरता, इनका अनपढ़ होना। क्योंकि अगर ये लोग साक्षर होते तो शायद ये कानून को हाथ में ना लेते, क्योंकि कानून की सजा से अनजान रहते हुए उन्होंने ये कदम उठाया है और आज अपने किए की सजा जेल में भुगत रहे हैं। बात जेल की है तो इस जेल के बारे में भी बताते चले। इसे बनाया गया लगभग आज से 100 साल पहले यानी 1905 के आसपास, और तब से आज तक न जाने कितने ही लोग यहाँ अपने गुनाहों की सजा काट चुके हैं। राजगढ़ में 2003 में सतत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम को गांव-गांव तक पहुँचाने के साथ साथ जिला साक्षरता समिति ने इसे जेल जैसी जगह से भी चलाने का प्रस्ताव रखा और अपराधियों की निरक्षरता को मद्देनजर रखते हुए अक्टूबर 2004 में राजगढ़ जेल में साक्षरता कक्षाएं लगानी शुरू की गईं। जेल में कार्यक्रम की शुरुआत होते ही कैदियों में साक्षरता के प्रति एक अलग ही जोश था। बहुत सारे हमने वो देखे हैं जो कि बंदी हमारे आते हैं और आते समय उन्होंने अंगूठा लगाया है, दस्तखत करने की उनकी वो नहीं थी, लेकिन अगर 15-20 दिन बाद वो जेल से जब छूटे हैं तो दस्तखत करके छूटे हैं। अब बारी थी पढ़ाने की, जेल में कौन पढ़ाए। इसके लिए जिला साक्षरता समिति ने एक प्रेरक को ट्रेनिंग देकर जेल में पढ़ाने का प्रावधान किया और जेल में साक्षरता कक्षाओं का शुभारंभ हुआ। ये वो प्रयास था जिससे पढ़ लिख कर कोई कैदी ऑफिसर तो नहीं बन सकता था, मगर अपने आगे आने वाले जीवन में परिवर्तन जरूर ला सकता था। इस कोशिश को सफल बनाने के लिए यहाँ सजा काट रहे कैदियों ने भरपूर साथ दिया। एक एक कर सभी कक्षाओं में जुटने लगे। इन कक्षाओं का आलम यह है कि जेल का हर कैदी इन कक्षाओं में आकर शिरकत करता है, कुछ और करे न करे लेकिन पढ़ना नहीं भूलता। जगह कम न हो, घर हमारा हक हो, घर रहना न रहे, घर घर काम हो, घर घर रोजगार हो, कमाई का गम न रहे। कक्षाओं में आने से कैदियों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। उनके रहन सहन, बात करने के साथ साथ वो अच्छे बुरे को ठीक से समझ गए हैं।
बंदियों में ये तो स्वाभाविक है कि अगर साक्षर होंगे तो उनकी सोच में परिवर्तन आएगा और उनकी सोच बदलेगी और वो अपराध करने से थोड़ी दूर होंगे। जब आदमी की सोच बदलेगी तो अपराध के बारे में उनको जानकारी मिलेगी और उससे वो दूर होंगे। जेल का हर एक कैदी बड़ी ही रुचि लेकर पढ़ रहा है। जो कैदी निरक्षर थे आज वो पढ़ना लिखना सीख कर अपना ज्यादातर खाली वक्त पढ़ लिख कर ही गुजारते हैं। जमुना लाल बैरागी जैसे लोग जो शुरू से ही साक्षरता कार्यक्रमों से जुड़े हैं यहाँ आकर अपने गीतों से कैदियों में एक उत्साह भरने का कार्य करते हैं। जेल में कैदी इन साक्षरता गीतों का पूरा आनंद लेते हैं और इन्हीं से प्रेरणा लेकर एक सही रास्ते पर आने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि प्रोग्राम सतत चले जब तक कि हमारे जेल में बंदी निरक्षर आते हैं। अपर बंदी जब तक हमारे जेल में आ रहे हैं जब तक बाहर इतनी ज़्यादा साक्षरता का वो नहीं हो रहा कि हर आदमी आने वाला साक्षर हो, हर आदमी आने वाला पढ़ा लिखा हो, जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती है जब तक ये प्रोग्राम चलना चाहिए। पढ़ने से हमारे को सब ज्ञान मिला। हम तो पहले को ज्ञान भी नहीं था और अब पढ़ने से हमारे को ये किताब विताब पढ़ लेते, देश की जो बातें आती है वो भी हम थोड़ा ज्ञान हो गया हमारे पे। सभी अपराधों की जड़ होती है लोगों की निरक्षरता, जिसके कारण इन्हें न तो कानून के बारे में सही मालूमात होती है और न ही उसके अंजाम के बारे में, जिसके चलते इन्होंने अपनी जिंदगी के हजारों बेशकीमती पल इन्हीं चार दीवारी में गुजार दिए। जिला साक्षरता समिति और जिला कारागार के कर्मठ लोगों के माध्यम से आज एक बड़ा कदम उठाते हुए इन कक्षाओं के माध्यम से इन कैदियों को साक्षर कर इनकी जिंदगी एक ऐसे ट्रैक पर लाने की कोशिश जारी है जिससे ये अपने साथ साथ अपने परिवार के आने वाले कल को बेहतर बना सके। मैं सोच रहा हूँ कि बाहर निकल के मैं भी पढ़ना लिखना चालू रख सकूँ और ताकि मेरे जो दोस्त कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको भी मैं आगे बताऊं कि पढ़ने लिखने से इतना फायदा है, बहुत कुछ फायदा है। इसलिए आज अगर हम पढ़े लिखे होते तो यहाँ पे नहीं होते। आज नहीं तो कल इन कैदियों की रिहाई लाजमी है। उसके बाद ये कभी दोबारा इस रास्ते पर न आए उसके लिए ये एक छोटा सा प्रयास है। साक्षर होकर ये देश और दुनिया के बारे में जान सके, इसके साथ ही अपने बारे में भी सही से सोच कर सही फैसले ले सके। ये मजबूर जिंदगियां अपने आने वाले दिनों में किसी अपने को इस तरह मजबूर ना होने दें, इसके लिए उन्हें जरूरत होगी अपने साथ साथ अपनों को साक्षरता की ओर लाने की। मैं बाहर जाके अपने परिवार की देख रेख कर सकूंगा, अपने बच्चों को भी मैं धीरे धीरे पढ़ाई करवाता रहूंगा और अच्छे संस्कार में परिवर्तन करते रहूंगा मैं अपने परिवार का। शिक्षा का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। जब तक हम साक्षर नहीं होंगे तब तक न आपका और न ही देश का विकास संभव है। हम सबको जरूरत है शिक्षा की ओर कदम बढ़ाने की। तो देखा आपने कि किस तरह राजगढ़ जिले में इन कैदियों को साक्षर करने का सिलसिला जारी है। हमारी तो बस यही दुआ है कि ये सिलसिला बस यूं ही चलता रहे और हर कैदी अपने आप को साक्षर करके एक जागरूक व्यक्ति बनाकर अपना जीवन यापन करे, जिससे कि दोबारा कभी इन्हें इस जगह आकर अपनी जिंदगी के बेशकीमती पल न गुजारने पड़े। देश का हर व्यक्ति साक्षर हो और हर इंसान जागरूक हो। हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही इंसान से जो देर आए दुरुस्त आए वाली बात को सही साबित करते हुए साक्षरता केंद्र से साक्षर होकर गांव के प्रधान तक का सफर उन्होंने तय किया है। उत्तर प्रदेश का बरेली जिला जो साक्षरता दर में पिछड़े जिलों की श्रेणी में आता है, 2001 में इस जिले की साक्षरता दर मात्र 47.99% थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 59.12 और महिलाओं की साक्षरता दर 35.13 थी। जिले की साक्षरता दर में बढ़ोतरी करने के लिए जब साक्षरता कार्यक्रमों की शुरुआत हुई तो इसी जिले के रहने वाले इसराइल खान, जो ग्राम फिरोजपुर के रहने वाले हैं, इन्हीं साक्षरता कक्षाओं में आकर अपने आप को उन्होंने न सिर्फ साक्षर किया बल्कि साक्षरता के प्रति लोगों को जागरूक करने का भी काम किया। तो आइए देखते हैं कि इसराइल खान कैसे अपने सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। सोचिए, अगर आपको राह दिखाने वाला ही रास्ता ना जानता हो तो क्या हो? क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल नहीं।
अगर खेवैया ही कश्ती खेना न जानता हो तो क्या आपको किनारा मिल सकता है? शायद नहीं। यही हुआ इजराइल खां के साथ। फिरोजपुर गांव के रहने वाले इजराइल खां अपना जीवन ऐसे ही अंधकार में गुजार रहे थे। ग्राम प्रधान के चुनाव में इजराइल खां सफल हो गए। यही वो समय था जब उन्हें कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सिर्फ मुश्किलें रहती तो काफी था, लेकिन अब उन्हें शर्मसार भी होना पड़ रहा था। कारण एक ही था, इजराइल खां का निरक्षर होना। अब जब इजराइल खां गांव के प्रधान बन चुके थे, पूरे गांव की मुश्किलों के बारे में सुनना उनका फर्ज बन गया था। लेकिन किसी को भी सही जवाब देना और कोई सही सुझाव देना शायद उन्हें नहीं आता था। अब इजराइल खां को लगने लगा कि मैंने निरक्षर रहकर अपने साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। इजराइल खां ने यहीं से सोचना शुरू किया कि कैसे अपने आप को साक्षर किया जाए। इसमें उनकी मदद की जिले में स्थित जिला साक्षरता समिति ने, जब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा जिले में साक्षरता कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। इसी के चलते निरक्षर ग्राम प्रधानों को साक्षर बनाने का कदम भी उठाया गया और इजराइल खां के गांव फिरोजपुर में साक्षरता कक्षाओं की शुरुआत की गई, जिसमें साक्षरता कक्षाओं में सबसे पहले आने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो थे इसी गांव के प्रधान इजराइल खां। पढ़ा लिखा तो था बिल्कुल, मैं तो अनपढ़ आदमी मोटा छाप था, बाकी प्रधान बन गया तो उसके बाद में मतलब जो है जो भी काम आया तुरंत दस्तखत करो। जब शपथ ली गई हम लोगों की तो खैर मैंने एक दिन पहले साइन करना सीखे थे और वो साइन सही करना आते नहीं थे मुझ पर। फिर उसके बाद में मैंने सोची ला इससे तो बढ़िया अगर पढ़ी लेंगे, क्योंकि ये तो 24 घंटे काम लिखाई पढ़ाई का है और लिखाई पढ़ाई में जो है क्योंकि 5 साल गुजरने हैं, 5 साल की जिंदगी गुजरने है, इससे पहले अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। तो मैंने कि सरकार ने जो है जो सोची मतलब फ्री की सेवा है, सरकार की तरफ से पढ़ाई किताब है पढ़ाई घर बैठे, तो हिंदी के साथ पढ़ी लें इसको। पढ़ने में जैसे अपने आप को पढ़ना सीखा, फिर एक दूसरे को जोड़ना सीखा, फिर तीसरे को जोड़ना सीखा, मैंने पढ़ लिया तो बढ़िया बात है। अंगूठा छाप जो है किसी गिनती नहीं है आजकल, पढ़े लिखे लोगों की कुछ थोड़ी बहुत वैल्यू और मान सम्मान आदमी रखता है, कुछ अखलाक उसकी बोल चाल विवास में फर्क पड़ता है। धीरे धीरे एक एक कर गाँव के निरक्षरों को इकट्ठा करना शुरू किया गया और साक्षरता कक्षाओं की शुरुआत बहुत ही जोर शोर से शुरू की गई। सबसे अहम अगर कोई बात थी तो वो ये कि जब गांव के प्रधान ही बढ़ चढ़कर साक्षरता कक्षाओं में पढ़ने आ रहे हैं तो गांव के और लोग क्यों नहीं पढ़ सकते। इसी से गांव में साक्षरता के प्रति एक लहर सी दौड़ गई, क्योंकि ये गांव मुस्लिम बहुल्य है और लोगों का शिक्षा के प्रति उतना रुझान नहीं है। मगर जब साक्षरता कक्षाओं की शुरुआत की गई और ग्राम प्रधान ने अपनी भागीदारी देकर सभी को चौंका दिया, तो इससे गांव वालों में शिक्षा के प्रति जागरूकता तो आई ही, उसके साथ ही उनकी सोच में भी बदलाव आया। हाँ, पढ़ने से जो है परिवर्तन बदलाव नगर एक दूसरे की भावना लड़ाई नहीं होती है, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान जो भी है वो लड़ता नहीं है और अनपढ़ आदमी जो है उसे ये तो पता नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, कि कानून क्या है क्या चीज नहीं है, वो तुरंत एक मिनट से पहले लड़ाई शुरू कर दो, कतलेआम शुरू कर देंगे बिना अनपढ़ लोग। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सोचते छोड़ो यार हमारी नौकरी लगी हुई है हमें कहाँ एक झंझट में पढ़ना है। इजराइल खान ने निरंतर इन कक्षाओं में आना जाना जारी रखा और अपनी कड़ी मेहनत से अपने आप को साक्षर बना ही लिया और अब वो अपने आगे आने वाली सभी मुश्किलों का बहुत ही सरलता से समाधान कर लेते हैं। सारे पढ़ने लिखने के काम स्वयं ही करते हैं, अपने परिवार को भी साक्षरता के महत्व को बताना नहीं भूलते। इजराइल खां आज अपने बच्चों के साथ भी पढ़ते और पढ़ाते हैं। इजराइल खां अपने गांव में एक आदर्श के रूप में उभर कर सामने आए हैं। पूरे गांव को साक्षरता का संदेश देकर वो गांव वालों को साक्षरता की ओर लाने को प्रयासरत हैं। इतना ही नहीं, वो अपने बच्चों को भी स्कूल भेजने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में ये बच्चे अपने आप को एक साक्षर और समझदार और सफल व्यक्ति बना सकेंगे। आज इजराइल खां सिर्फ अपने गांव में ही साक्षरता के बढ़ावे के लिए प्रयासरत नहीं है, बल्कि अपने आसपास के गांव में भी अपने कार्यों से लोगों को साक्षरता से अपना नाता जोड़ने को कह रहे हैं। गांव वालों को जैसे मैं अनपढ़ हूं
तो मैंने सोची कि जैसे मैं अनपढ़ हूँ, अगर कल को तुम्हें कोई समय मिलता है, मौका मिलता है और बाहर भीतर निकलते हैं, जैसे बस देखते रहते हैं दिल्ली जाए, कमाने खाने वाले मजदूर आदमी, तो जो कई नंबर बस हो, हम पढ़े लिखे नहीं है तो नंबर ही कहते हैं किसी को पूछेंगे कि दरिया बन जा रही है, फलान जगह जा रही है, तो बोलो ठीक है मैंने कि इसको पढ़ लोगे, जो देख लोगे पाँच नंबर बस हो या 581 है 582 है, तो इसी कायदे से वो लोग जुड़ना शुरू हो गया और पढ़ाई मतलब केंद्र खोल दिया और पढ़ना शुरू हो गया। साक्षरता में इसराइल खां का योगदान सराहनीय है। गली मोहल्लों में जा जाकर अपने गांव वासियों को इन्होंने साक्षरता की ओर लाने में अहम रोल अदा किया है। आज इनके लिए गांव के हालात बिल्कुल अलग हैं। जहां कभी स्कूल जाने की बजाय बच्चे गलियों में खाक छानते थे, अब इन बच्चों के माता पिता अपने नन्हे मुन्हों को स्कूल भेजना नहीं भूलते और खुद भी अपने आप को साक्षरता की ओर मोड़ रहे हैं। ये तो बस शुरुआत भर है, अभी बहुत लंबा सफर तय करना है जिससे अपने उत्थान के साथ साथ अपने गांव और सबसे अहम अपने देश को पूर्ण साक्षर बना सकें और सफलता के मकाम को पा सकें। अगर स्वयं अपने आप को एक मकाम न दिला सकें तो क्या अपने आने वाले बच्चों को एक मकाम जरूर हासिल कराएंगे, जिसके चलते अपने आगे आने वाले जीवन में ये लोग किसी के आगे या फिर खुद के आगे शर्मसार न हो। इसराइल खां ने अपने गांव के लिए एक प्रेरणा के रूप में जो कार्य किया है उसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इसराइल खां का ये सफर अभी रुका नहीं है, अभी बहुत आगे जाना बाकी है। अपने पूरे गांव को पूर्ण साक्षर बनाना है, अब बस जरूरत है तो कुछ कदम आगे बढ़ाने की, जिसके चलते आने वाले समय में इस गाँव का उदाहरण पूरे देश में दिया जा सके। क्या बात है, गांव के प्रधान होने के नाते भी इसराइल खां का फर्ज बनता है लोगों को समझाना। और देखिए आज वो स्वयं तो साक्षर है ही, गांव के अन्य निरक्षरों को भी साक्षर होने को प्रेरित कर रहे हैं। अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी लड़की से जो साक्षर होने के बाद अन्य महिलाओं को साक्षर कर रही है। ये लड़की है बिहार के गया जिले की। गया में 1991 में महिला साक्षरता दर मात्र 24.20 थी, जो 2001 में बढ़कर 37.40 हो चुकी थी। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि महिला साक्षरता की क्या स्थिति रही है। लेकिन कहते हैं ना कि कमल कीचड़ में ही खिलते हैं। एक लड़की ललिता कुमारी जो अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखती है, बिहार में इन लोगों की स्थिति सबसे ज्यादा बुरी है और इस समाज के लोगों में गरीबी ही गरीबी दूर तक दिखाई देती है। लेकिन ललिता ने इन सब के बावजूद न सिर्फ खुद को साक्षर किया बल्कि गांव की अन्य निरक्षर महिलाओं को भी साक्षर कर रही है। ये जो गांव आप देख रहे हैं इसे उपरौली हरिजन टोली के नाम से जाना जाता है। इस गांव के हालात बखूबी बयान करते हैं यहाँ रहने वाले लोगों की क्या स्थिति होगी। गरीबी की वजह से न जाने कितने ही लोग कभी स्कूल की दहलीज तक नहीं पहुंच सके, जिसके कारण ज्यादातर लोग अशिक्षित रहे। इनकी गरीबी और बदहाली भी अशिक्षा का एक मुख्य कारण रही है, क्योंकि यहाँ मुसहर जाति के लोगों की अधिकता है, जिसके कारण इनकी गरीबी साफ देखी जा सकती है। मगर कहते हैं ना कि गुदड़ी में ही लाल छिपे होते हैं। ललिता कुमारी एक पिछड़ी जाति में जन्मी, गरीबी इतनी कि एक वक्त का खाना नसीब हो जाए तो भी काफी। इस पर शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर पाना कोई मामूली काम नहीं था। गरीबी के कारण ही ललिता स्कूल नहीं जा सकी। कभी बचपन में नाम जरूर लिखाया गया मगर उसके लिए फीस की आवश्यकता होती है और इसे पूरा कर पाना उसके माता पिता के वश में नहीं था और ललिता को स्कूल जाना बंद करना पड़ा। मगर इसी बीच एक दिन गांव के ही राम रतन दास उसके पास आए और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा गांव में चलाई जा रही साक्षरता कक्षाओं के बारे में बताया और उससे पढ़ने को कहा, मगर उसके लिए साक्षरता केंद्र पर आना होगा। इस बात ने उसके पढ़ने के जज्बे को फिर जगा दिया। उसने जो ख्वाब सालों पहले जमींदोज कर दिए थे उन्हें पूरा करने का यह मौका नसीब हुआ और उसने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। मगर उसका परिवार पढ़ने के सख्त खिलाफ था, पर किसी तरह उसने अपने परिवार से कक्षाओं में जाने की इजाजत ले ली और उसकी पढ़ाई का सिलसिला चल निकला। पहला तो मतलब प्राइमरी स्कूल में पहला तक लगता है पढ़े थे, फिर घर में गरीबी के कारण मम्मी पापा पढ़ाई छोड़वा दिए, तो मम्मी पापा पढ़ाई छोड़वा दिए तो फिर ऐसा साक्षरता चालू हुआ, तो उसमें भी मतलब मम्मी पापा नहीं बोलते थे कि नहीं जाओ, तो मैं भी मेरा रुचि था तो हम बरियाई जाते थे
वहाँ जाने के बाद मेरे श्री रतन जी भेटी जी हैं, वही मतलब मेरे पढ़ाए पढ़ाई लिखाई वही करवाए, उसी उन्हीं के साथ में रहते रहते पढ़े। फिर पढ़ने के बाद जब उनसे मतलब पढ़ लिए तो फिर मेरे पापा मम्मी के घर में बोले कि मम्मी मेरा एडमिशन करवा दो, वहाँ सब जाती है। शिवरतन दास जो यहाँ प्रेरक का कार्य कर रहे हैं, ये उनकी ही पहल थी जिसके कारण वो गांव के कुछ लोगों को कक्षाओं तक लाने में सफल रहे और पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ। एक एक करके ये तादाद बढ़ती गई और उसी में से एक ललिता भी थी। ललिता की पढ़ने की रुचि बाकी लोगों से कहीं ज्यादा थी और देखते ही देखते वो काफी आगे निकल गई। ललिता की इस कामयाबी को देखकर गांव के लोगों में शिक्षा के प्रति और जागरूकता आई। उसका सबसे बड़ा सबूत ये रहा कि साक्षरता कक्षाओं में लोगों की तादाद बढ़ती गई। मन एक्टिव है, मन जल्दी मन जो नॉर्मल है से धर लेती है, और कम उम्र भी थी उसका पढ़ने का, तो साक्षरता से ही मन सर जुड़ गई। कुछ मुखिया जी हैं रमेश दास, वो भी कुछ मन जोर लगाए पढ़ने के लिए, इस तरह से जो पढ़ाई लिखाई उसका चला। ललिता अपने सपनों को पूरा करने में लगी थी। वो पढ़कर कुछ करना चाहती थी और अपने गांव के लोगों को पढ़ा लिखा देखना चाहती थी। उसने इन कक्षाओं से पढ़कर पांचवी की कक्षा उत्तीर्ण की और साक्षरता कक्षाओं में पढ़ने के साथ साथ स्कूल में कक्षा 6 में अपना नाम लिखवा लिया और आगे पढ़ना शुरू किया। तो फिर मेरे पापा मम्मी के घर में बोले कि मम्मी मेरा एडमिशन करवा दो, वहाँ सब जाती है, तो मम्मी एडमिशन करवा दी तो 6 क्लास में अभी हैं। ललिता उस परिवार से ताल्लुक रखती है जहाँ शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं है। चारों तरफ फैली गंदगी और गरीबी ऐसी जिसके कारण शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना मानो हिमालय पर चढ़ने जैसा हो। ये देखकर गांव के लोग भी हैरान थे। एक ऐसे परिवार की लड़की जिसके घर में खाने के लाले हों, वो इन साक्षरता कक्षाओं में पढ़कर आज सबको शिक्षा के महत्व के बारे में बता रही है। न जाने कितने ही गांव के लोग सिर्फ ललिता को देखकर साक्षरता कक्षाओं में आने लगे। इसी बीच एक दिन शिवरतन दास के कहने पर उसने एक कदम और बढ़ाया। शिवरतन दास के साथ अब उसने भी साक्षरता केंद्र पर प्रेरक की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली और जिन साक्षरता कक्षाओं में उसने शिक्षा पाई थी उन्हीं कक्षाओं में आज वो प्रेरक की जिम्मेदारी निभा रही थी। शिवरतन जी बोले कि तब तो इतना तो प्रोग्रेस में हो गई, तब तो मतलब जो निरक्षर उन लोग को पढ़ा सकती है, तो हम बोले कि हाँ पढ़ा सकते हैं, तो वही बोले तो हम पढ़ा रहे। आज वो अपने ही गाँव के लोगों को साक्षर कर रही थी। ललिता की हिम्मत और लगन को देखते हुए गांव के निरक्षर पुरुष और महिलाओं ने एक साक्षरता केंद्र पर आने की हिम्मत दिखाई, मगर इस बार महिलाओं की संख्या बढ़ती गई। वजह एक ही थी, ललिता। उसने महिलाओं को घर घर जाकर समझाया कि साक्षर होने के कितने ही फायदे हैं। अब ललिता ने एक और कोशिश की। वो हर दिन केंद्र पर कक्षा से पहले गांव की महिलाओं के साथ बैठती और साक्षरता गीत गा उन लोगों में साक्षरता के प्रति रुझान पैदा करने की कोशिश करती। साक्षरता गीतों के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा के गीतों को भी वो गाती थी, जिससे महिलाएं रोज ही साक्षरता कक्षा पर आना जारी रखें। साक्षरता केंद्र का ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। उन लोग हमको तो बोलते थे कि अपने तो पढ़ल है ना है, तो हमको मतलब हम लोग के क्या पढ़ाओगी, ऐसे ऐसे बहुत बोलते थे। लेकिन हम उन लोग के समझाते कि देखिए पढ़ने से ये चीज फायदा होता है, ये चीज अगर पढ़ा लगाइएगा तो अपना बाल बच्चा को भी पढ़ाइएगा, ये सब टूटी फूटी भाषा में उन लोग को बताए तो फिर थोड़ा बहुत फिर आए प्रोग्रेस में। जिला साक्षरता समिति के माध्यम से शुरू किए गए केंद्र से उपरोहली हरिजन टोली के पुरुष और महिलाएं साक्षर हो रहे थे। इस कार्यक्रम के जरिए पूरे मुसहर गांव के लोग एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे थे। शिवरतन दास के प्रयासों और मेहनत के बदले उन्हें राज्य सरकार ने सम्मानित भी किया और आज अपनी मेहनत के बदले मिले फल को ही वो बहुत कुछ मानते हैं और उसकी रौनक उनके चेहरे पर दिखाई भी देती है। आज पूरे उपरोहली गांव में साक्षरता के प्रति एक नया जोश और नई उमंग है। लोग अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो रहे हैं। ये सब मुमकिन हो पाया साक्षरता के माध्यम से। ललिता ने अपने गांव को एक उदाहरण देकर उन्हें साक्षरता केंद्र पर आने को प्रेरित किया है, साथ ही लोगों को जागरूक करने का उसका प्रयास जारी है। साक्षरता केंद्र यूं ही चलता रहा तो जल्द ही और साक्षर गांवों की तरह इस गांव की भी किस्मत जरूर बदलेगी।
भाई ललिता की हिम्मत और पढ़ने के जज्बे को देखकर मेरे अंदर भी एक विश्वास आ गया है कि यदि इंसान मन में कुछ ठान ले तो वो हर मुश्किल को पार करते हुए अपनी मंजिल को पा ही लेता है। ललिता की तरह आप भी जिंदगी में आज ही कोई मकसद शामिल करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, देखिए फिर सफलता कैसे आपके कदम चूमती है। मुझे उम्मीद है कि हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पढ़ना लिखना सीखो ए दोस्तों, पढ़ना लिखना सीखो मेरी बहनों, कितने जीवन बदल गए और कितने बदल रहे हैं, पढ़ लिख कर कितने लोगों को नई राह मिल गई है, मंजिलें और भी हैं, मंजिलें